Hey guys, I'm Varun, certified nutritionist and supplement specialist. तो गाइज आप लोगों ने कमेंट कर करके मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अल्फा वे की तरफ गेट माय मेटल का, ये मैंने वीडियो बनाई थी और उसके बाद ब्लेज वे के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों का रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा था। बट आप लोगों ने कुछ मुझसे पर्सनली कुछ क्वेश्चन भी किए इंस्टाग्राम पर भी एंड वीडियो के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने कॉमेंट किया एंड काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया। दैट्स वाई आज की ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम दोनों प्रोडक्ट के बारे में एक साथ बात करने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं गाइस कि ये वीडियो किसी भी टाइप से स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी टाइप से इसका ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर मेरा रिव्यू होगा। और अगर मैं कोई चीज़ गलत बोल देता हूँ कभी वीडियो में तो आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को करेक्ट कर दीजिए कीजिए नीचे कॉमेंट करके, और अगर कुछ भी गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट की बात करूं गाइस, दोनों प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, ये बॉक्स ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं गाइस, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, लास्ट कुछ ही स्कूप्स बचे हुए हैं, आपको दिख भी रहा होगा। एंड ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो ये मेरी मम्मी ने यूज़ कर लिया था चने की दाल रखने के लिए, चने रखे हुए इसमें, मुझे बॉक्स चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ले लिया। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया था, ये खैर सच में गाइस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया था, बट ये स्टिल अभी भी मेरा चल रहा है। अब मैं इनके यूजेस के बारे में बताऊं गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फा वे की, गेट माय मेटल की। पहले पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ कि इस मैं बात करूँ अगर मैं इसकी गेट माय मेटल अल्फा वे की, तो इसमें गाइज मुझे मिले थे टोटल 10 स्कूप्स मिले थे, हालांकि यहाँ पे 20 स्कूप्स लिखा है जो कि 50 ग्राम सर्विंग के साथ होते हैं, बट यहाँ पे आप साइड में देखते हैं तो क्लियरली लिखा होता है 100 ग्राम की सर्विंग है इसमें, ठीक है। 100 ग्राम्स की अगर एक सर्विंग है तो ये 10 स्कूप आपको इसमें से निकलेंगे। 10 स्कूप में आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहली चीज़ आपको इसमें 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स की बात कर रहा हूँ गाइस एक स्कूप की जो मैंने यूज़ किया, उसमें 35 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिलता है, 59 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें फैट्स आपको 0.75, जीरो शुगर है और ज़्यादा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। इंग्रेडिएंट की बात करूँ अगर तो इसमें वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, मिल्क सॉलिड्स, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है वे पाउडर भी यूज़ किया है। और सबसे अच्छी चीज़ अगर आप गाइस गेनिंग कर रहे हैं, मेरे भाई लोग या मेरी ऑडियंस में से कोई भी गेनिंग कर रहा है तो ये प्रोडक्ट की तरफ चले जाओ, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होने वाला है। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट हो आँख बंद करके इसकी तरफ चले जाओ अगर गेनिंग करना है तो, हाफ स्कूप से स्टार्ट करना, फुल स्कूप पे जाना धीरे धीरे करके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी डाले हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें माल्टोडेक्सिन ऐड नहीं किया है गाइस, जो कि चीपर बनाने के लिए हो जाती चीज़ें, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। तो मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, मिक्सेबिलिटी एंड टेस्ट गाइस, ऐसे टेस्ट मैंने जो ये दोनों प्रोडक्ट के मैंने यूज़ किए ऐसे टेस्ट मैंने आज तक किसी प्रोटीन के नहीं लिए हैं, ऑनेस्ट रिव्यू है ये मेरा इस चीज़ को लेके। ये मेरे पास था केसर पिस्ता डिलाइट, एकदम ऐसा ठंडे पानी के साथ ले रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आइसक्रीम खा रहा हूँ। सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो दोनों बॉक्सेस FDA, FSSAI, ISO, GMP, HACCP इतने ज़्यादा सर्टिफाइड है, एंड हर प्रोडक्ट का आपको एक लैब रिपोर्ट भी मिल जाती है, और आप लोग अगर घर पर भी करते हैं इनकी लैब रिपोर्ट तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गाइस, ठीक है। तो अगर गेनिंग कर रहे हो, ज़्यादा स्किनी हो, इसकी तरफ जाओ, पर स्कूप डेली का लो। ब्लेज वे की बात करें तो गाइस इसकी सर्विंग साइज है 50 ग्राम्स, 50 ग्राम का इसका स्कूप होने वाला है, दिखा देता हूँ आपको इसका स्कूप कंपैरिजन, बाकी प्रोटीन से थोड़ा सा इसका प्रोटीन बड़ा होता है, थोड़ा सा इसका स्कूप, ठीक है, ये इतना इसका स्कूप साइज होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है, 50 ग्राम का स्कूप है। स्कूप एक्यूरेसी की बात करूं दोनों का बिल्कुल एकदम सटीक है, लेवल स्कूप आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका भी फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मलाई कुल्फी जो कि मैं ओट्स में डाल के खाता हूं डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो अगर आप इसका वन स्कूप 50 ग्राम्स का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको मिलने वाला है 24 ग्राम्स ऑफ
प्रोटीन जो कि ब्लेंड होने वाला है कॉन्सेंट्रेट आइसोलेट वे पाउडर एंड मिल्क सॉलिड्स का, ठीक है। सेम जो उसमें डाला था वही इसमें डाला हुआ है, पर इसमें ना इन्होंने वे प्रोटीन का ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसलिए इसमें प्रोटीन क्वालिटी और कार्ब्स की जो क्वांटिटी है वो हो गई है 24 and 23, 24 ग्राम प्रोटीन 23 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इवन शुगर जीरो, और इसमें भी कोई माल्टोडेक्सिन वगैरह नहीं किया गया। ये भी गेनिंग प्रोटीन है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये भी है, बट इसको आप वेट मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इसको कटिंग में यूज़ किया था गाइस, मैं वेट लॉस कर रहा था तब मैंने इसको अपने जो कैलोरी मैक्रो मैंने अपनी चेक की उसमें मैंने इसको फिट बिठाया और मैंने इसको ब्रेकफास्ट में एक स्कूप ओट्स में डाल के ऐड किया था, तो मुझे इसके रिजल्ट मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई गाइस, और मसल गेनिंग में भी कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे काफ़ी अच्छे इनके रिजल्ट लगे, इसलिए मैं आज भी इन पर ट्रस्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बाय द वे ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो मैं आगे भी इसको ज़रूर अपनी डाइट में कंसिडर ज़रूर करूँगा। दोनों प्रोडक्ट की बात करूँ, अगर ज़्यादा स्किनी हो गेनिंग करनी है अच्छी वाली तो अल्फा वे की तरफ जाना, वेट मैनेजमेंट करते हो कम रेट में आपको अच्छा प्रोटीन पीना है तो गेट माय मेटल ब्लेज की तरफ जाना। दोनों प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं गाइस कि आप इन पे आंख बंद करके प्रॉपर भरोसा कर सकते हैं, ये दोनों शानदार प्रोटीन्स हैं और रेट भी ज़्यादा नहीं है गाइस दोनों की, इसकी अराउंड 1200 to 1300 रुपीज़ और इसकी 1400 to 1500 रुपीज़ जो मुझे अमेज़ोन पे देखने को मिलती है। मैं दोनों की अमेज़ोन वाली लिंक डाल दूंगा नीचे, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, वरना आप इनकी साइट पर भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी तरफ से इन प्रोटीन्स के लिए थम्स अप है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे नीचे कि आपको अदर किसी इनके प्रीमियम प्रोटीन का भी रिव्यू चाहिए है, वो भी हम बनाएंगे, मैं वो भी मंगा लूँगा, मैं उसका भी रिव्यू प्रॉपर आपके लिए लेके आऊँगा। तो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक बस कर जाना, और ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूँ, बस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सपोर्ट करते रहना, और इंस्टाग्राम पर भी मेरा जो चैनल है उसको भी आप प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड अपने भाई को सपोर्ट भी कीजिए। और आप लोगों को अदर भी किसी ब्रांड की या किसी भी चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए हो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा, एंड वीडियो बनाते टाइम अगर किसी भी चीज़ की गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।